हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिप अपाइस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यूज़ एनालिसिस। तो आज 11 जनवरी है और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रॉम सोर्सेज द हिंदू, PIB, इनसाइट, IAS बाबा, GK टुडे, इन सभी से जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाता है ताकि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है, ये हिंदू से है। द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है टू रिड्यूस द पार्टिकुलेट मैटर्स। जो हम बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स की, पीएम में कौन कौन सा आता है, पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5, पार्टिकुलेट मैटर्स 10, और अभी 1 भी है। अभी एक मैटर 1 भी ऐसा कंसीडर किया जा रहा है कि वो बहुत ही टेनी होता है और उसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे ही पार्टिकुलेट मैटर्स को रिड्यूस करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो हमारा टारगेट ये होगा कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो 20-30% रिड्यूस हो जाए 102 सिटीज़ से। ठीक है, इसमें ये कोई पैन इंडिया प्रोग्राम नहीं है, पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऐसे जो शहर हैं, खास करके इस लिस्ट में 102 शहर हैं पूरे शामिल हैं, तो ऐसे शहरों में इस पार्टिकुलेट मैटर्स के कंसंट्रेशन को कम करना 20-30% बाय 2024, 2024 तक हमारा ये टारगेट रखा गया है। एंड दिस प्रोग्राम विच वॉज फॉर्मली अनवील्ड ऑन थर्सडे इज इन्वाइसिंग अ स्कीम टू प्रोवाइड द स्टेट एंड सेंट्रल विद अ फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। तो अब जब भी एयर पोल्यूशन की बात करें, सेंटर के स्टेप्स की बात करें, गवर्नमेंट स्टेप्स की बात करें, तो ज़रूर कोट करें ऐसे प्रोग्राम का नाम। और अभी सेंटर स्टेट दोनों मिल करके इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। इसमें टारगेट ये रखा गया है कि तो 5 साल का ये टारगेट पूरा प्लान होगा, 5-ईयर प्लान होगा। इसमें 2019 को पहला साल माना जाएगा इस टारगेट को अचीव करने में। एंड जैसा अभी हमने बोला कि पैन इंडिया प्रोग्राम ये नहीं है, तो स्पेसिफिक जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, कुछ चुनिंदा शहरों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड दीज सिटीज़ आइडेंटिफाइड एज अ हॉट स्पॉट ऑफ पॉल्यूशन, मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो कंसंट्रेशन ऑफ पीएम या पार्टिकुलर मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ऐसे सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो आइए एक फैक्ट जानते हैं, एक स्टडी जानते हैं, आखिर हमें कैसे पता चला कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो रही है। तो WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटाबेस है वो तैयार किया गया है एयर पॉल्यूशन के ऊपर। Tier 1 और Tier 2 इंडियन सिटीज़ को कोट किया गया, ठीक है। एंड उसमें जो Tier 1, Tier 2 वो लिस्ट बनाई गई, उसमें जो भारत के शहर थे वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड प्लेस पर थे, ठीक है। Tier 1, Tier 2 में इंडिया के शहरों का नंबर बहुत ज़्यादा था। तो इसी बेसिस पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पे जो शहर है उनको क्लीन किया जाए। और 2018 में 14 ऑफ द वर्ल्ड्स 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ वर इन इंडिया। तो एक जर्नल आता है लेंसेट के नाम से, कई सारे रिपोर्ट्स हम इसकी देखते रहते हैं, इसी में ये प्रपोज किया गया था कि 15 में से 14 ऐसे शहर हैं इंडिया में आते हैं जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड इन द वर्ल्ड हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है, इंडिया दिन ब दिन नंबर 1 पे पहुंचता जा रहा है इस एयर पोल्यूशन के मामले में। और एयर पोल्यूशन से होने वाले मोर्टैलिटीज और डेथ जो हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा हो रहे हैं अभी। तो इस वजह से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज़ है एथिक्स से, इसको आप एसोसिएट कर सकते हैं पेपर 4 में, जब आप केस स्टडी की बात करें या फिर महिलाओं की स्थिति की बात करें समाज में, सोसाइटी वाले सेक्शन में आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। नेपाली वुमेन सन फाउंड डेड इन विंडोलेस मेंस्ट्रुएशन हट। ये न्यूज़ तो नेपाल का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अभी भी किसी ना किसी सोसाइटी में हो को इम्प्योर माना जाता है। और नेपाल में कई सारी ऐसी जगह, कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो ऐसे ट्रेडिशन को आज तक फॉलो कर रही हैं। वुमेन को बाहर रख दिया जाता है, एक छोटे से झोपड़ी बना के रख दिया जाता है, और वहाँ पर अभी एक केस है जिसमें कि 35-ईयर-ओल्ड लेडी है जिनकी की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ द सफोकेशन, में स्मोक के भर जाने की वजह से, और उसमें कोई खिड़की नहीं होने की वजह से उनकी डेथ हो गई। और इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशन चलता आ रहा है, इसको आप बहुत अच्छा ट्रेडिशन नहीं बोल सकते हैं, एक होता है बैड ट्रेडिशन, एक होता है गुड ट्रेडिशन। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बैड ट्रेडिशन, इसको कि हमारे सोसाइटी से अब हटने की आवश्यकता है, जबकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बैन किया हुआ है। नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया था 2005 में ही, और उसके बाद 2017 में इसको क्रिमिनलाइज भी किया गया, इसमें सज़ा का भी प्रावधान ऐड किया गया। फिर भी हमारे जो लोग हैं वो इन चीज़ों को बहुत ढंग से समझते नहीं हैं। तो आप अभी भी एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी चीज़ों को लिख सकते हैं कि वी नीड टू डू
मोर वर्क फॉर द वुमेन फॉर अपग्रेड द स्टेटस ऑफ वुमेन। इस पे चलते हैं, वेब वांडा वुमेन कैंपेन इंपॉर्टेंट है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस कैंपेन को। क्या नाम है इसका? वंडर वुमेन कैंपेन। ठीक है, तो ये जो वेब वंडर कैंपेन है ये ऑनलाइन कैंपेन है। ठीक है, तो किस तरीके का कैंपेन है? देखिए, एक एनजीओ है ब्रेक थ्रो और ट्विटर इंडिया, तो इन सभी के साथ एसोसिएशन से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। सो दैट जो ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में एक अलग पहचान बना रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रही हैं, पॉजिटिव एजेंडा को शो कर रही हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, और ये पूरा कैंपेन उसी के लिए चलाया जा रहा है, टू रिकॉग्नाइज द फॉर्टिट्यूड ऑफ इंडियन वुमेन स्टॉलवर्ट्स फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब हु हैव यूज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के पावर को पॉजिटिवली रन करने के लिए, एक प्रॉपर नीशे बनाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है, जिससे कि हम महिलाओं की स्थिति को सुधार पाएंगे भारत में खास करके। तो इसके लिए इस मिनिस्ट्री का काफ़ी योगदान रहा है। आप इसको भी अपने केस स्टडी में या वुमेन की जब बात करें तो गवर्नमेंट्स कौन कौन से काम कर रहे हैं उनके लिए, वहाँ पर आप इसको कोट कर सकते हैं। तो सोशल मीडियाज़ में वो सारी ही चीज़ें आ जाएंगी, और द लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज इंक्लूडिंग हेल्थ, मीडिया, लिटरेचर, आर्ट्स, स्पोर्ट्स। तो ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, जितनी भी फील्ड में लोगों ने काम किया उस सभी को इसमें रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। वंस अगेन, नेक्स्ट न्यूज़ है पर्शियन गल्फ रीजनल डायलॉग फोरम। तो कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ डिस्कस किया था गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बारे में, कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया है और ईरान और सऊदी अरब के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, और जो पूरा सिस्टम है वो ब्रेक होने की कगार पे है। तो ईरान ने अभी एक नया फोरम लॉन्च किया, एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सो दैट ये रीजनल पीस जो है वो बना रहे, रीजनल पीस बिल्डिंग के लिए ईरान का ये एजेंडा है, उनका ये प्रपोजल है टू मेक द पर्शियन गल्फ रीजनल डायलॉग फोरम। ठीक है, ये दोनों ही बातें याद रखेंगे कि इसको किसने इनिशिएट किया है। तो ईरान ने इनिशिएट किया है, और क्यों इनिशिएट किया है? बिकॉज जो कॉन्फ्लिक्ट्स अभी या मिसट्रस्ट देखने को मिल रहे हैं गल्फ रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए और उस रीजन में पीस को प्रमोट करने के लिए ये फोरम बनाया जाना है। एंड इट सिग्निफिकेंट एज इट कम इन द वेक ऑफ कंटिन्यू इरोजन ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग पीस प्रोस्पेरिटी दोनों पर ही काम करेंगे, उस पूरे रीजन में इंटरनल सिक्योरिटी पर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से कंट्री हैं जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आते हैं। हमने डिस्कस भी किया था, ये जितनी भी कंट्री आप देख रहे हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरबिया, ये सभी इसका पार्ट हैं। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ये सभी आते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है ये 6 मिडल ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज़ का, जिसमें कि यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, ये सारी कंट्रीज़ आते हैं। नोट करने वाली बात ये है कि इसमें ईरान नहीं है। ठीक है, इसमें सऊदी अरबिया है बट ईरान नहीं है। एंड इट वॉज एस्टैब्लिश इन रियाद, इसको सऊदी अरबिया में बनाया गया था 1981 में, और रोटेशन वाइज इसका जो प्रेजिडेंसी है वो घूमता रहता है एनुअली। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में, और हमने आज न्यूज़ पर्शियन गल्फ रीजनल कोऑपरेशन के बारे में, जो फोरम बनाया जा रहा है उसके बारे में। And now we have some institutional information regarding online personal guidance program. तो मैं आपको बता दूँ, ये personal guidance program offline भी चलता है, and we have our own institute in मुखर्जी नगर, जिसमें कि हिंदी माध्यम में नया बैच शुरू हो रहा है 15 जनवरी से। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं कि ये क्या है स्टेप वाइज, ये एक कोचिंग सेंटर है जो मुखर्जी नगर में है। आप अगर हिंदी माध्यम में क्लास में आना चाहते हो, पॉलिटी से आपका जीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहें तो इसको मॉड्यूल वाइज भी पढ़ सकते हैं या फुल कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपके पास पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम है जिसमें आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, और यकीन कीजिए बहुत बेहतर तरीके से और आपका क्वालिटी इन्हेंसमेंट इसमें किया जाता है। प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स आपको दिए जाते हैं, डिटेल्स के लिए आपको फ़ोन पर बात करनी पड़ेगी। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, गंगाजल प्रोजेक्ट। बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो, कि गंगाजल प्रोजेक्ट क्या था। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसको टूरिज्म मिनिस्ट्री इसको इन्हांस कर रही है, और इसमें आगरा में टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, मतलब टूरिज्म बढ़े इसके लिए आगरा के इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने का पूरा टारगेट है, पूरा प्लान है।
और तो इस प्रोग्राम में क्या होना है, जो आगरा सिटी है वहाँ पर गंगा का वाटर लेकर के आना है, ताकि इस सिटी की जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है उसको कर्व किया जा सके और उसके डिमांड को पूरा किया जा सके। इसलिए इसका नाम गंगा जल प्रोजेक्ट रखा गया है। आपसे कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं कि क्या ये जिस शहरों से गंगा निकलती है क्या ये उसके लिए है, तो ऐसा नहीं है। आगरा में गंगा के पानी को लाया जाएगा, सप्लाई को बढ़ाया जाएगा और उससे वहाँ के जो ड्रिंकिंग नीड है उसको पूरी की जाएगी। एंड द प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 2005, तो इसको 2005 में ही शुरू किया गया था और इसमें कोलैबोरेशन था जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। 2012 में इसका कंप्लीट होने का टारगेट था जो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। तो फिर से एक डेवलपमेंट इसमें स्टार्ट किया जाएगा प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और 2900 करोड़ रुपीज़ का इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। तो लेट्स सी, बट आपको याद रखना है गंगा जल प्रोजेक्ट क्या है। अगला न्यूज़ है संभव। ठीक है, संभव एक फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल जिसको कि जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है, मैन अगेंस्ट वॉयलेंस एंड अब्यूज मावा, हम करते हैं जेंडर बेस्ड वॉयलेंस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने में काम करते हैं। और विल ट्रैवल टू 9 सिटीज एंड 4 डिस्ट्रिक्ट्स दिस ईयर विद इट्स 2-डे ट्रैवलिंग फिल्म फेस्टिवल कॉल संभव। तो उन्होंने काफ़ी जगह पे टूर किया, पता किया कि कहाँ पर कैसा सिचुएशन है, जेंडर इक्वलिटी है या नहीं। खैर इक्वलिटी की बात तो बहुत दूर है इंडिया में अभी एट प्रेजेंट, बट हाँ जो वॉयलेंस है एटलीस्ट वो ना हो और इन सारे इश्यूज को कवर किया जा सके, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो संभव उसी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। एंड टेस्ट सीरीज कन्फर्मेशन, अभी भी काफ़ी लोग एनरोल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये। आप, मैंने कई बार कहा है कि जब आपको सूटेबल लगे कि अब आपको इस प्रोग्राम में आना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम की जो लास्ट डेट है आप देखिए 17 मई तक चलने वाला है ये पूरा प्लान। इसमें करंट अफेयर्स को साथ में इंक्लूड किया गया है सारे कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप तब से अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं। आपके टेस्ट को शेड्यूल कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप सही समय पे जुड़ेंगे तो आपको भी आसानी हो जाएगी, बिकॉज में आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो डिटेल के लिए फ़ोन कर लें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, एंड हमारे वेबसाइट पर विजिट करें विच इज़ www.stepupias.com।